हेलो फ्रेंड, मैं सुमार डिंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पार्ट सेटअप पे। जैसे कि फ्रेंड आप सबको पता है, आप लोग राजस्थान सीएचओ एग्जाम और जितने भी अपकमिंग सीएचओ एग्जाम हैं उनके बारे में अपन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और टॉपिक बनते हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप लोगों के लिए हमने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी जिसके ऊपर अपने जितने भी मटेरियल रहेंगे, जितने भी नोट्स रहेंगे जो अपन यहाँ पर क्लास में पढ़ाते हैं उनका जो नोट्स है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वहाँ से नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके वहाँ से नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके लिए रहने वाले हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो अगर लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इनके टाइप से कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो कितने टाइप का होता है। तो टाइप की अगर अपन बात करें तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो आपको फर्स्ट टाइप देखने को मिलेगा वो बोलेगा प्रीमोडियल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब बात आती है कि सर आप लोगों ने बता दिया कि जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो चार टाइप का अपन को देखने को मिलता है, लेकिन इनको याद करने का तरीका क्या है? तो अगर आप इनको याद करना चाहो कि प्राइमरी प्रीमोडियल में क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है, जो सेकेंडरी है उसमें क्या होता है, टर्शरी में क्या होता है, तो आप सिंपल से एक चीज़ को याद कर लो कि जैसे मान लो अपन किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि भाई घर के बाहर है पानी इकट्ठा मत होने देना, अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पर मच्छर आ जाएंगे, वो आपको काट लेंगे, जिससे आपको डेंगू और मलेरिया जैसी डिजीज है वो होने के चांसेस रहते हैं। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो, लोगों को क्या दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो ना, क्या कर रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो। एजुकेशन भी कब दे रहे हो, जब पानी इकट्ठा नहीं हुआ है, मच्छर है वो नहीं आई, यानी मच्छर क्या हो गए, रिस्क फैक्टर जो डिजीज कोज कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि आप एजुकेशन दे रहे हो वो कब दे रहे हो, जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है, अब्सेंट है। तो प्री मॉड्यूल के अंदर आपको क्या याद रखना है कि अपन उनको क्या देंगे, एडवाइस देंगे यानी एजुकेशन देंगे, और किस कंडीशन में देंगे, जब हेल्थ जो रिस्क फैक्टर वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब डिजीज कोज करने वाले कारक हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। फिर आते हैं अपने प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। तो प्राइमरी की अगर अपन बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आप क्या करते हो, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपका रिस्क फैक्टर मतलब आप लोगों ने वहाँ पर पानी इकट्ठा होने दिया और वहाँ पर मच्छर आ गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिस्क फैक्टर है वो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, तो रिस्क फैक्टर था वो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, रिस्क फैक्टर को तो प्रेजेंट हो गया लेकिन जो रिस्क फैक्टर है उनसे अपने आप को क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। फिर सेकेंडरी की अगर बात करें तो जो प्राइमरी के अंदर रिस्क फैक्टर था उसने क्या किया, उसने अपनी डिजीज है वो कोज कर दी, उसने क्या किया, डिजीज कोज कर दी। तो डिजीज कोज कर दी तो डिजीज कोज करने के बाद आप क्या करोगे, अर्ली उसका डायग्नोसिस करोगे और उसका ट्रीटमेंट करोगे, डिजीज को प्रोग्रेस होने से रोकोगे क्या, ठीक है, प्रोग्रेस होने से रोकोगे। देन टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर डिजीज है वो भी कोज होगी, अपन लोगों ने उसका अर्ली डायग्नोसिस भी नहीं कराया, ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया और डिजीज ने क्या किया, अपना पीक लेवल पर चली गई। तो अब पीक लेवल पर चली गई तो वो ट्रीट तो हो नहीं सकती, तो आप क्या करोगे, रिहैबिलिटेशन। तो कहने का मतलब ये, रिहैबिलिटेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, टर्शरी प्रिवेंशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसका पैर है वो चला गया, तो पैर तो दोबारा नहीं आ सकता ना, तो अब क्या करेंगे, उसकी जगह आर्टिफिशियल पैर है, आर्टिफिशियल लिंब है वो अपन लगा देंगे, जिससे उसका जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो अपन दोबारा से उसको रिगेन करा सकते हैं। तो ये हो गया अपना टर्शरी प्रिवेंशन। अब वन बाय वन अपना शॉर्टली जो प्रिवेंशन उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट आता है अपना प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या कह रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, कि कहने का क्या मतलब है कि जो रिस्क फैक्टर है वो उनको होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या है, रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं है और उनको प्रेजेंट ना हो जाए इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, उनको प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी पानी इकट्ठा हम नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। देन अगर बात करें कि जो नेक्स्ट लाइन है वो सेम लिखी हुई है, एट द टाइम ऑफ रिस्क फैक्टर नॉट, मतलब जब प्राइमरी प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर जो रिस्क फैक्टर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, एक तो एजुकेशन दोगे, एक लाइफस्टाइल मॉडिफाई कराओगे, इसके मोड ऑफ एक्शन रहने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट अगर बात करें प्राइमरी प्रिवेंशन की, तो प्राइमरी प्रिवेंशन आपको कह रहा है कि अप्लाई दी इंटरवेंशन बट डिजीज नॉट प्रेजेंट, के अपन इंटरवेंशन कर रहे हैं लेकिन डिजीज है वो अभी प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या है, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसके अंदर आपके जो रिस्क फैक्टर हैं
वो क्या हो गए हैं, प्रेजेंट हो गए, मतलब आपने पानी कटा होने दिया, पानी कटा हुआ तो वहां पर मच्छर है वो आ गए, तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गए, लेकिन स्टॉप दी ऑल पॉसिबिलिटी दैट कॉज डिजीज, कि डिजीज कॉज करने की उनकी ऑल पॉसिबिलिटी को अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कैसे करेंगे भाई, मच्छर ही कटा हो गए तो वो आपको डिजीज कॉज नहीं करते, इसलिए आप क्या कर रहे हो, जो मॉस्किटो है नेट वो यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, मॉस्किटो नेट यूज कर रहे हो, ठीक है, एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए आप हेलमेट का यूज कर रहे हो, तो आपके प्राइमरी प्रिवेंशन में देखने को मिलेगा। देन अगर अपन बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो हैंड वॉशिंग आ जाएगा, मास्क यूज आ जाएगा, इम्यूनाइजेशन आ जाएगा, यूज कॉन्ट्रासेप्टिक आ जाएगा, यूज हेलमेट आ जाएगा, यूज मॉस्किटो नेट आ जाएगा, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर भी अपने एक बात कर लेते हैं, एक बार हैंड वॉशिंग मतलब इन्वायरमेंट के अंदर, जो मान लो कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इन्वायरमेंट के अंदर कोविड के जो बैक्टीरिया वायरस है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो मेरे को डिजीज कॉज न करते, मतलब रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन वो मेरे को डिजीज कॉज न करते, इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, हैंड वॉशिंग कर रहा हूँ। इसी को अपन यूज ले सकते हैं, यूज मास्क, कोविड का जो वायरस है वो प्रेजेंट है लेकिन वो मेरे अंदर न चला जाए, वो डिजीज कॉज न करते, इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, मास्क का यूज कर रहा हूँ। इम्यूनाइजेशन, जो रिस्क फैक्टर है डिजीज वो प्रेजेंट है लेकिन वो मेरे अंदर ना आ जाए, मेरे को डिजीज कॉज ना करते, इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, इम्यूनाइजेशन करवा रहा हूँ। देन बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे प्रिवेंट करने के लिए अपन लेते हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज प्रेजेंट है लेकिन वो कॉज ना हो जाए, इस कारण से अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो यूज करते हैं, ठीक है। हेलमेट, बाइक चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा तो है, तो रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, लेकिन आप हेलमेट यूज कर रहे हो तो अपने आप को क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, मच्छर तो प्रेजेंट है लेकिन अब मच्छर आपको डिजीज कॉज नहीं करते, इसलिए आप क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो अपन जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसको अपन याद कर सकते हैं कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, मतलब किसी भी चीज से अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया वायरस हो या कोई इंजरी हो, उससे अपन क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करें, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है इस कारण से उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट है वो करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। देन अगर अपन बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन की, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या करा, स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, कि अपन लोगों ने प्री मॉडल के अंदर क्या पढ़ा, प्री मॉडल के अंदर पढ़ा कि जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है, प्रेजेंट नहीं है। प्राइमरी के अंदर पढ़ा अपन लोगों ने जो रिस्क फैक्टर थे वो प्रेजेंट हो गए लेकिन उन्होंने डिजीज कॉज नहीं है। सेकेंडरी के अंदर उन्होंने क्या किया, डिजीज कॉज कर दी। अब अपन क्या करें, वो डिजीज तो कॉज हो गई लेकिन वो डिजीज प्रोग्रेस ना करे, ज्यादा लेवल पे नहीं चले जाए, अपने पीक लेवल पे नहीं चले जाए, इसलिए अपन उसको क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं कि भाई अपना कुछ प्रोटेक्शन यूज लेते हैं। अब क्या कर सकते हो आप, अर्ली अपना डायग्नोसिस करवा सकते हो कि भाई मेरे को क्या डिजीज है, जल्दी अपन डायग्नोसिस करें और आप जल्दी उसका ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपकी डिजीज है वो क्योर हो जाएगी, आप सही हो जाओगे। फिर अगर आप लोगों ने वो चीज़ सही नहीं करी तो वो किस में चली जाएगी, वो आपके टर्शियरी लेवल में चली जाएगी। तो अपन बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन की, किसमें, सेकेंडरी लेयर में, कि ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, कि अपन जल्दी से डायग्नोसिस करवाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। स्क्रीनिंग, जितने भी टेस्टिंग है, जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम है वो सेकेंडरी में आएगी। पेप्स में सर्वाइकल कैंसर के लिए की जाती है, वो भी आपके सेकेंडरी में आएगी। लैब टेस्टिंग सेकेंडरी में आएगी। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सेकेंडरी में आएगा। और ये मोस्ट ऑफ लाइन है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम हैं वो सारे हेल्थ प्रोग्राम है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों देखने को मिलेंगे, तो आप लोग एक चीज़ रिमेंबर करो कि कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोग्राम है, कब स्टार्ट करते हैं, जब वो डिजीज है वो कॉज हो जाती है। जैसे कोविड, कोविड के आने से पहले कोविड का टीका थोड़ी लगा था, कोविड आ गया उसने डिजीज कॉज की, डिजीज कॉज की इस कारण से तो उसका टीका लगता है, तो वो आता है डिजीज कॉज होने के बाद। तो डिजीज कॉज होगी लेकिन वो प्रोग्रेस ना कर जाए, ज्यादा लेवल अपना हाई ना कर जाए, उस कारण से अपन लोग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ज्यादा और ले लो, और भी अपने जितने भी प्रोग्राम है वो भी सारे इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन की, तो टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर अपन बात करेंगे रिहैबिलिटेशन। जो मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसका पैर चला गया, तब उसको नया पैर, तो अपन वैसे तो नया पैर तो उसको आएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, उसके आर्टिफिशियल जो लिंप वो लगा देंगे, जो अपनी वो नॉर्मल लाइफ को दोबारा से रीगेन कर सकें। तो ये आपका रहेगा टर्शियरी प्रिवेंशन। अब कुछ एमसीक्यू है उनके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आप लोगों के सामने, रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज इज रेफर टू, कि डिजीज को अक्कर होने से अपन बचा रहे हैं। याद रखना, डिजीज को अक्कर, रिस्क फैक्टर इसका मतलब प्रेजेंट है, तो कौन सा रहेगा, टर्शियरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन या प्री मॉडल प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन की अगर बात करें तो टर्शियरी प्रिवेंशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि डिजीज है वो अपने पीक लेवल पे ऊपर चली गई, तो यहाँ पर डिजीज हो चुकी है वो भी पीक लेवल पे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज अक्कर हो चुकी है, और प्राइमरी प्रिवेंशन पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन उसने
डिजीज कोज नहीं किया, लेकिन डिजीज को होने से अपन बचा रहे हैं क्योंकि मॉस्किटो नेट यूज ले रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रीमोडियल, तो प्रीमोडियल में जो रिस्क फैक्टर है वो परजेंट ही नहीं थी, तो अपना राइट आंसर क्या रहिएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन, यहाँ पर अपना राइट आंसर देखने को मिलेगा। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इम्यूनाइजेशन इज यूज टू, इम्यूनाइजेशन अपन किसके अंदर यूज लेते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर, या ऑल अबव। तो अपन लोगों ने अभी बात की थी इम्यूनाइजेशन किसके अंदर यूज लेते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। देन अपन अगर नेक्स्ट बात करें, कंडक्टिंग पेप स्मेयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स इज, जो सर्वाइकल कैंसर है वो डिटेक्ट करने के लिए अपन यूज लेते हैं, तो वो कैसे, कौन से प्रिवेंशन में आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या स्पेसिफिक प्रिवेंशन। तो मैंने अभी बताया था कि जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे, जो भी ट्रीटमेंट एग्जामिनेशन रहेंगे, डायग्नोसिस रहेंगे, वो किस में आएंगे, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। तो आपका पेप स्मेयर वाला किस में आ जाएगा, जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपका किसके पास चला जाएगा, ऑप्शन बी के पास चला जाएगा। देन अगर नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, कि प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को, मतलब डिजीज को प्रोग्रेस करने से के लिए जो मेजर्स चूज ले रहे हैं वो कौन सा। याद करो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या पढ़ा था, कि डिजीज हो चुके लेकिन वो प्रोग्रेस ना करी चल कर जाए, उस पर अपनी बात कर रहे थे, स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। तो क्या था इसके अंदर, प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को अपन स्टॉप कर रहे थे। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर्स टेकन टू स्टॉप प्रोग्रेस ऑफ डिजीज कौन सा रहेगा, वो आपका रहने वाला है सेकेंडरी प्रिवेंशन, है वो देखने को मिलेगा। देन अगर अपन बात करें, टर्शियरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेप स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, कि कौन सी जो डिजीज की हिस्ट्री है वो आपके टर्शियरी प्रिवेंशन में आएगी, प्री पैथोलॉजिकल, पैथोजेनेसिस, प्रोडर्मल और टर्मिनल। तो टर्मिनल जो स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज होती है जिसके अंदर डिजीज वो अपने पीक लेयर के ऊपर चली जाती है। प्रीडॉर्मल की बात करें तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन उसने डिजीज कोज नहीं की है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो डिजीज आपके अंदर कोज हो चुकी है, और प्रोडॉर्मल की बात करें तो इसके अंदर डिजीज वो अपने साइन सिम्टम्स वो अपीयर कर देती है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर रहने वाला, वो रहने वाला है टर्मिनल, ऑप्शन डी है वो अपना राइट आंसर रहेगा। तो यदि फ्रेंड आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए जो भी वीडियो हैं उसके अपडेट आपको मिलते रहें। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके आप क्लिक करके वहाँ से जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।